नशे के विरुद्ध जो जितने भी नार्कोटिक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध एक मुहिम जारी की है, जिसका एक पहला चरण है आज इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें आगे भी लगातार जो है इसमें बिल्डिंग भी एस्टेब्लिश की जाएगी और जो नशे से प्रभावित लोग हैं और जो नशा कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। रेणुकूट से हम लोगों ने शुरुआत की है और इसमें जो विभिन्न तहसीलें हैं उनमें जो और प्लांट्स लगे हैं, फैक्ट्री लगी हैं, उनका सहयोग लेके इस तरीके से इनकी मदद लेके हम लोग करेंगे। यहाँ से रामलीला मैदान इनका जो है वहाँ पे चल रहा है जुलूस, और जैसे हमारे एसपी साहब ने कहा, सर ने कहा कि सोनभद्र को हमें नशा मुक्त करना है, शुरुआत यहाँ से हिंडाल्को ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एनजीओ के साथ मिलके। नशा मुक्त कार्यक्रम से क्या देश का उद्धार होता है और जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है उनको रिहैबिलिटेट करके उनको वापस अपना मेन स्ट्रीम में लाना है, इसके लिए हिंडाल्को का हमारा एक छोटा प्रयास है और हम चाहते हैं कि पूरा सोनभद्र में चलें और पूरा यूपी में चलें। स्कूल के बच्चे हैं इसमें, हमारे अपने सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे बहुत वॉलंटियर हैं रेणुकूट से जिन लोगों ने खुद से आके समय आके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, वो सब लोग इस पूरी रैली में भाग ले रहे हैं पूरे प्रोग्राम। मिशन संकल्प के तहत इस कार्यक्रम का हम लोग शुभ आरंभ करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण का। मेरा निवेदन है हेड सिक्योरिटी कर्नल संदीप खन्ना साहब से कि वे स्वागत करें हमारे सीईओ एंड क्लस्टर हेड मिस्टर एम नागेश का। मैं निवेदन करता हूं क्लस्टर हेड एचआर मिस्टर जसबीर सिंह से कि वे स्वागत करें एसडीएम मिस्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा का। अबे ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के कि वे आगे आए और वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ। पिछले कुछ वर्षों में, और ये आप सब जानते हैं, हम सब ने इस चीज को देखा भी है और महसूस भी किया है कि भारत में ड्रग्स और मादक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। देश के कई जिले कई हिस्से इसके गिरफ्त में आ चुके हैं, इस समस्या की चपेट में आते जा रहे हैं। अब इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नशे की रोकथाम की तरफ हिंडाल्को ने मिल करके कुछ ठोस कदम उठाए हैं, एक जोरदार ताली दें मिशन संकल्प। मंचा से हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, उपस्थित हमारे संस्थान के सीईओ श्री एन नागेश सर, हमारे दूधी तहसील के जिला उप एसडीएम साहब श्री शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे क्लस्टर एचआर हेड श्री जसबीर जी, आप हमारे माननीय गणमान्य हमारे नगर के नागरिकगण, पत्रकार बंधु एवं भाई एवं बहनों, आज एक संकल्प के तहत एक संकल्प यात्रा की शुरुआत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आप सबों को अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
ये पहल हिंडाल्को जनसेवा ट्रस्ट एवं अभय वेलफेयर सोसाइटी सिटी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है नशा मुक्ति का, और आप जो एनजीओ हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा अच्छा कार्य आप शुरू किए हुए हैं। नशा हमारे समाज की, हमारे युवा की एनर्जी को ड्रेन करता है और गलत डायरेक्शन में ले जाता है, जिस एनर्जी को लेके हम एक अच्छे समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं, वो एनर्जी नशा जिस भी तरह का नशा है उसमें वेस्ट होती है। बिना यूथ की एनर्जी के हम एक अच्छे शासन प्रशासन, एक अच्छे देश की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हिंडाल्को ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एनजीओज के साथ मिलके। मैं बाकी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, एनसी, उनके कोई आए होंगे या उनको आप पत्रकार लोगों के माध्यम से, मैं उनको भी एनकरेज करूँगा कि वो के साथ आप सेंटर खोलना चाह रहे हैं। प्रशासन शासन की तरफ से जो भी कोऑपरेशन होगा वो हमारी तरफ से हमेशा से रहेगा। बाकी आप उसमें आगे बढ़िए, इसी यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। मिशन संकल्प में हमारे साथ जुड़ने के लिए उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को हिंडाल्को रेणुकूट बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मैं अब निवेदन करता हूँ लेफ्टिनेंट एचआर श्री जसवीर सिंह से कि वे आए और मार्गदर्शन करें इस कार्यक्रम में। सर थैंक यू। सबसे पहले अपने कीमती समय में से हमें ये समय दिया और इस कॉज को उन्होंने इतने पॉजिटिवली लिया है कि सबसे पहले उन्होंने हाँ करके मैं बिल्कुल आऊँगा इस प्रोग्राम में। आप जो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने सीईओ साहब का भी। इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मेरे को जब भी हम लोग हमें नशे पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हमारे अपने युवा हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार है। हम इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं सर, दिस इज अवर फैमिली। हम लोग इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं, हमारा परिवार है। तो इस परिवार के बच्चों के लिए हम सच में कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे बहुत दिन से, और मैं तह दिल से शुक्रगुजार हूँ अभय जी का कि अभय जी की जो एनजीओ है वो काफी दिन से कार्यरत है इस फील्ड में, और ये लोग यहाँ से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और इनको यहाँ की नस नस का पता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे युवा गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इनको कैसे हम लोग मुख्य धारा में लाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का भी, अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा महिलाओं का, हमारी टाउनशिप की, हमारी कॉलोनी की महिलाएं जो बड़ी संख्या में आई है, और हमारे बच्चे जो है, युवा जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है इसमें पूरे, सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैं थैंक्स करता हूँ अपने यूनियंस के पदाधिकारियों का भी, सारे लोग यहाँ बैठे हैं मेरे यूनियन के पदाधिकारी, वो लोग भी आए हैं। खास स्पेशल थैंक्स है पूरे मीडिया का, इतनी अच्छा आप लोग संख्या में आए हैं और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, इससे त्रस्त हैं। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही यंगस्टर हैं जिन्हें हमें अपने मुख्य धारे में लाना है। तो मैं हिंडाल्को रेणुकूट की ओर से आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ इस मंच से कि ये खाली दिखावा नहीं है, हम दिल से करना चाहते हैं। हम थैंक यू। मैं यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान एसपी महोदय, एसडीएम महोदय का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर समाज में फैले गंभीर समस्या को दूर करने के लिए किया जाने वाला प्रयास हो आयोजित शिविर का पार्टिसिपेट किया है। जैसा भी जसवीर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बीमारी है सोसाइटी के लिए, और एक छोटा प्रयास हिंडाल्को की तरफ से कि हम लोग इसको रेनकोट को ड्रग फ्री जोन बनाएं, जो आगे जाके एक रोल मॉडल बने पूरा इस डिस्ट्रिक्ट का, इस यूपी के लिए। ये हमारा छोटा प्रयास है जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग आगे आए, और जो हम लोग कर सकते हैं जितना बेस्ट हम लोग वॉलंटरी कर सकते हैं, जितना जो हम कर सकते हैं वो करके इसको आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा सबसे जो महिलाएं यहाँ पर आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमिलरली जो मीडिया मित्र जो आए हैं उनका भी धन्यवाद, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। धन्यवाद।
SDM साहब, CEO हिंडालको श्री नागेश जी, HR हेड जसवीर जी, सिक्योरिटी हेड कर्नल साहब और राहुल, सभी का अभिनंदन। देखिए, पुलिस का तो काम है ये कि क्राइम को रोका जाए, नशे को रोका जाए, नारकोटिक ड्रग को रोका जाए। हम लोगों का काम है, कर्तव्य है पुलिस का। किंतु जो हिंडालको इसमें सहयोग कर रहा है और जो अभय फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रही है, उनके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में हमारे साथ है। नशा जो है, जो मादक पदार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो गांजा, भांग, चरस, अफीम इत्यादि जो कुदरतन रूप से मिलते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, घरों में बच्चे हैं, नई उम्र के भी होंगे। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ जगह हमने कार्रवाई भी की है, जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ ड्रग्स हैं जिनका बीमारी के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, किंतु कुछ नई उम्र के लड़के उनका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं, जैसे स्पाज्मो प्रोक्सीवोन के कैप्सूल होते हैं, वो दर्द के लिए होते हैं, दर्द निवारक होते हैं, किंतु उसका उपयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग करते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। और मेडिकल स्टोर वाले भी अपने दायित्व को ना समझते हुए किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को वो कैप्सूल दे देते हैं। इसके अलावा डाइजीपाम की गोलियां हैं, एम्फिटामिन्स हैं, इनफैक्ट जो कोरेक्स है हमारा खांसी का, उसका भी एक्सेसिव डोज लेने की वजह से नशा होता है, उसका भी उपयोग नशे के रूप में लोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी मीडिया बंधु हैं, ये जो हमने मुहिम शुरू की है, इसका एक मकसद ये भी है कि जो आम जनमानस है, जो जनता है, जो मीडिया है, जो भी इस क्षेत्र के निवासी हैं, वासी हैं, उनका दायित्व भी है। मात्र ये ना समझे कि सब पुलिस है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का कोई आपके संज्ञान में मामला आता है कि कोई मेडिकल स्टोर वाला इस तरीके की प्रतिबंधित दवाएं जिनका उपयोग समाज में नशे के तौर पर किया जा सकता है वो बेच रहा है, या कोई व्यक्ति अपने घर से गांजा, अफीम, चरस इत्यादि लोगों को बेच रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। और ये हम लोग एश्योर कराते हैं, मैं एश्योर कराता हूँ आपको कि आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। गैंगस्टर अधिनियम की भी इसमें कार्रवाई होती है, और ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करके प्रॉपर्टी बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त होती है। तो प्रावधान बहुत ज्यादा हैं, कानूनी प्रावधान बहुत ज्यादा हैं, बस जरूरत इस चीज की है कि हम लोग उसमें, आप लोग हमें सूचना दें और पुलिस प्रशासन उसमें मिलके एक्शन ले। मुझे लगता है बच्चे बोर हो रहे हैं इसलिए बीच में हल्ला कर रहे हैं और न ही कभी नशीले पदार्थों को अपने आसपास फैलने देंगे। अगर हमें नशीले पदार्थों के सेवन या पीड़ित की कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत इसे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा। यहाँ पे इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का, हिंडालको रेणुकूट परिवार का, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।